महेंद्रगढ़ नगर पालिका में कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इस समस्या को लेकर महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में आज सामाजिक संगठनों और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलवान फौजी ने नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम SDM हर्षित कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलवान फौजी ने बताया कि नगर पालिका में कोई भी काम नहीं चल रहा है। नगर पालिका के सचिव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है और जेई भी कानून से बचता रहा है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ने आगे कहा कि लोगों ने फोन करके मुझे जानकारी दी कि नगर पालिका में जब भी वो लोग काम करवाने के लिए आते हैं तो अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। नगर पालिका में पिछले कई सालों से कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी लोग महेंद्रगढ़ नगर पालिका में कार्य करवाने के लिए आते हैं तो उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ता है। हमारी मांग है कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। सरकार इस पर जल्दी कोई कदम नहीं उठाती है तो हम नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मेरी मांग ये थी कि जैसे सचिव साहब जो सेक्रेटरी साहब हैं वो खुद जेल में भ्रष्टाचार के मामले में और जेई साहब खुद भागे फिर रहे हैं कानून से और एक एमई बेचारा बच गया, उसको इधर उधर कहीं दूसरी जगह मतलब कभी भेज देते, कभी रजिस्ट्री में भेज देते, कभी कहीं भेज देते, कभी कहीं भेज देते। तो नगर पालिका में जो भी चाहिए, कोई मकानों के नक्शे की बात हो, पहचान पत्र की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, प्रॉपर्टी बिल टैक्स की बात हो या और भी कोई परिवार पहचान पत्र या वगैरह वगैरह कुछ भी हो, उन सब में जो लोग आ रहे हैं, बहुत से फौजियों ने मुझे फ़ोन किया कि हम कोई काम करवाने के लिए गए थे और हमारी छुट्टी इतनी थी लेकिन स्टाफ ही ना होने के कारण हम तो यहाँ से जा रहे हैं और हमारा मन कर रहा है कि हम शहर भी छोड़ के चले जाएं। तो मैंने ये चीज़ देखी बारीकी से, शहरवासियों ने, व्यापारी भाइयों ने मेरे को, बहुतों ने फ़ोन किया, बहुतों ने आपने देखा कि साइन करके भी दिए, कम से कम 300-400 व्यापारी भाइयों ने खुद आग्रह करके साइन किए हैं कि हम इस चीज़ पे आपके साथ हैं। तो सारी चीज़ जब व्यवस्था देखी और कोई अधिकारी है ही नहीं और ये पिछले कई सालों से चल रहा है, जो पहले भी थे वो कोई काम के थे ही नहीं, तो जिस वजह से फिर हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास कि भाई इस चीज़ का तुरंत प्रभाव से किया जाए। और मेरी पूरे शहर में बहुत लोगों से बातचीत चल रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं नगर पालिका के बाहर पूरे शहर को, पूरे महेंद्रगढ़ वासियों को, पूरे गांव, जितने भी मेरे जान पहचान के सबको लेकर के मैं धरने पे बैठूंगा और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। और SDM साहब से जब हमारी बात हुई, ये ज्ञापन दिया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी इस प्रॉब्लम से दुखी हूँ क्योंकि हमारे पास भी नगर पालिका के 100 प्रकार के काम आते हैं, अगर स्टाफ वहाँ पर होगा तो फिर हमारे पास वो काम आएंगे नहीं, हम अपना और काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रशासन उस भ्रष्ट चीज़ से पूरा का पूरा प्रशासन दुखी है, तो ये हमारी मांग। SDM हर्षित कुमार ने बताया कि यहाँ के सामाजिक संगठनों और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलवान फौजी ने मुझे महेंद्रगढ़ में नगर पालिका में कार्य सुचारू रूप से नहीं चलने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये ज्ञापन सरकार के पास उचित माध्यम द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। हमारे पास आज सुबह एक ज्ञापन आया जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित है, जो कि हमें टीम बलवान फौजी ने दिया है, जिसमें उन्होंने मेजरली ये बताया है कि शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है नगर पालिका की वजह से। नगर पालिका में जो भी अधिकारी हैं उनकी कमी है, कई अधिकारी जैसे सेक्रेटरी हैं वो अभी शायद जुडिशियल रिमांड पर हैं, और बताया कि उन्होंने कि जेई के खिलाफ भी काफ़ी शिकायतें हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा और ME के पास अतिरिक्त कार्यभार है, इसलिए इसकी वजह से शहरवासी थोड़े नाखुश हैं और वह चाहेंगे कि थोड़ा इसमें चेंजेस आए और लोगों का काम हो। काफ़ी दूर से आते हैं, हमारे पास भी, मैं बताना चाहूँगा, जो अतिरिक्त समस्या लेके आते हैं SDM ऑफिस में भी, वो नगर पालिका संबंधित होती है। इसको मैं भी उठाता हूँ अभी इशू को, मैं DC मैडम से बात करता हूँ कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर तक बात हो कि नगर पालिका सुचारू रूप से चले, इशू हैं यहाँ पर थोड़े। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलवान फौजी ने नारेबाजी करते हुए काफी रोष प्रकट किया है। खैर, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।